नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियाज़ विद आरपीएस के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम सीखेंगे अडेनियम को बीज द्वारा कैसा लगाते हैं। आप देख सकते हैं अडेनियम की छोटी छोटी सीडलिंग्स, देखिए कितनी प्यारी लगती हैं। अडेनियम जो किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। अडेनियम का जो सीड पॉड होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप देखिए, आपके सामने है, ये एक सींग के जैसा दिखता है। अगर आपका पास प्लांट है तो उसमें इसी प्रकार से दिखेगा। आप इसको देखेंगे, जब ये बीज से फट जाता है तब ये मैच्योर होता है। इसके अंदर से ही सीड्स निकलते हैं। और देखिए, इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको जो है प्रकृति ने ही इतना बढ़िया इसको सजो के रखा हुआ है कि आप देखिए, देखिए दोनों तरफ से इसके पास जो है पंख दे रखे हैं। ये खुद उड़ेगा, उड़ करके इसे जहाँ भी जाना है वहाँ जाएगा। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, किनारे के दोनों को तोड़ देना है जो रोएं लगे होते हैं, और सीड्स को कलेक्ट करना है। देखिए, एक एक करके हम सारे जो हैं सीड्स को निकालते जाएंगे। हमें जो रोएं हैं, रोएं का कोई काम नहीं होता है, उनको फेंक देना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी यूज़ के नहीं है। वो तो केवल बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं। तो हम जो हैं इन रोएं को एक एक करके तोड़ते जाएंगे और सीड्स को इकट्ठा करते जाएंगे। देखिए, बहुत ही आसान है, इनको आप ऐसे तोड़िए और एक जगह पर इकट्ठा करते रहिए। जैसे आप देखेंगे इनकी खूबसूरती, ये छोटे छोटे गोल गोल ऐसे दिखते हैं, क्या बताऊँ, मतलब लाजवाब चीज़ है। और देखिए, सबको आप जो हैं निकाल लेंगे, सीड पॉड हमारा खाली हो जाएगा। जब आप देखेंगे किनारे में भी कुछ सीड्स लगे रहते हैं, और उसमें देखेंगे कि कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो यूज़ के लायक नहीं होती। ये देखिए रोएं, देखिए कितना खूबसूरत चीज़ है ये, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ सीड्स इसमें ऐसे भी निकलते हैं जो नॉन मैच्योर होते हैं, ये नहीं उगते। इनको देखिए आप, ये उगेंगे नहीं, इनको रखने से कोई मतलब नहीं है, इनको फेंक देना ही अच्छा है। देखिए, हमारे पास कुछ सीड्स कलेक्ट हो चुके हैं, ये देखिए आपके सामने, ये हमारे ओबेज़म के सीड्स हैं, कलेक्ट हो गए हैं हमारे पास में। और आप देख सकते हैं जो ख़राब वाले सीड हैं उनको फेंक देना है, किसी मतलब के नहीं, अंदर कुछ नहीं होता इनमें, आप इनको फेंक दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सीड्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे और इनको रात भर जो है पानी में भिगा देते हैं। 24 आवर या 48 आवर के लिए भी पानी में भिगो सकते हैं आप। रात भर भिगोने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखते हैं आपके सीड, जो फूल जाएंगे और मोटे मोटे हो जाते हैं पानी पी पी करके। आप देखिए, ये रहे सीड्स, देखिए कैसे मोटे मोटे हो गए हैं। अब इनको लगाने का तरीका मैं बताता हूँ, इनको लगाते कैसे हैं। देखिए, इनको जो है पहले इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद इसमें जो है हमें सैंड पेपर लगाना है। मैं आपको मीडिया भी बताऊँगा कौन सा मीडिया यूज़ करना है और किस प्रकार से लगाना है, ये भी देखिए आपको दिखाता हूँ। मीडिया मैंने लिया हुआ है सैंड और वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट जो होता है वो पानी को होल्ड करता है और सैंड जो है वो ड्रेन करता है। आप देखिए, आपके सामने ये हमने सैंड को फिल कर लिया है एक डब्बे में। डब्बे का ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉट हो, जार हो, कुछ भी हो आपका, वो वेल ड्रेन रहना चाहिए, नीचे कई सारे छेद होने चाहिए उसमें। छेद होने से क्या होगा, जितना भी एक्सेस वाटर रहेगा वो आपका निकल करके नीचे चला जाएगा। और मीडिया भर फिल करने के बाद आप इसको जो है हाथ से बराबर कर लीजिए और एक तह बना दीजिए, जो प्लेन तह जो रहती है उस पर आप बीजों को इसी पर हम लगाएंगे। और देखिए, बीजों को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये जो बीज हमने कलेक्ट किए हुए हैं, इन बीजों को हम इस पर एक एक करके लगाते जाएंगे। देखिए, लगाने के लिए कई तरीके होते हैं। आप लाइन खींच करके डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो एक एक इंच की दूरी पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जब बड़े होते हैं पंख निकलते हैं इनमें, जब पंख नहीं, जब पत्ते निकलते हैं तो इनको स्पेस चाहिए होती है थोड़ी, तो इसलिए एक एक करके सीड्स को थोड़ी एक इंच की दूरी, आधे इंच की दूरी पर आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं अभी पहले लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सारे बीज लगा दिए और इसके ऊपर जो मीडिया हमने बनाया था उसी मीडिया को ऊपर से एक पतली लेयर जो होती है उससे फिल करना है। पतली लेयर मतलब 1 mm 2 mm की सीड हमारे जो हैं ढके रहें और ज़्यादा गहराई में ना जाएं। केवल सीड ऐसे हैं कि ढके रहेंगे तो मॉइस्चर उनको ऊपर नीचे चारों तरफ से मॉइस्चर मिलेगा तो वो जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और इनको पहले पूरा जो है आप ढक लीजिए, और इनमें जो पानी का स्प्रे करेंगे वो फंजीसाइड मिला करके करते हैं। मैंने इसमें जो है ट्राइकोडर्मा यूज़ किया हुआ है। आप ट्राइकोडर्मा, साफ वेस्टिन, कई सारे फंजीसाइड आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, पानी देने का तरीका है, इसको स्प्रे से पानी देना है, पानी देने के लिए, क्योंकि आप अगर धार से देंगे पानी तो जो है नीचे से अपने बीज जो हैं उखड़ जाएंगे, वो अपनी जगह से हट जाएंगे, ऊपर से मीडिया उनका हट जाएगा।
बीज जगह से हट जाएंगे तो दिक्कत होगी उगने में इनको, और कोई दिक्कत की चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। देखिए पॉट में जो है हमने पूरा पानी भिगा दिया है, अब क्या है कि आप देखेंगे पूरा का पूरा मीडिया हमारा भीगा हुआ है, और आप देख सकते हैं पॉट हमने बताया था वेल ड्रेन रहना चाहिए। आप देखिए नीचे से जो एक्सेस वाटर है पूरा का पूरा वाटर जो है हमारा नीचे से निकल जाता है, जितना भी एक्सेस वाटर रहेगा। आप देखिए यहाँ पर जो है सबसे अच्छी चीज़ है ये, देखिए 3 दिन बाद का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ आपको, 3 दिन बाद इसमें से छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जो है स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। आप देखिए इसमें आपको जो मीडिया रहेगा इसमें आपको दिन में 3 बार पानी का स्प्रे भी करना है। ये देखिए हमारा 4 से 5 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये देखिए खूबसूरती देखिए आप इनकी, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे जो बाहर आ जाते हैं इनको देखिए आप। और आपको जो है आगे कुछ दिन के बाद, मतलब मान लीजिए कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद कुछ इस प्रकार का रिज़ल्ट दिखेगा। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सीड्स को उगाने का सबसे सही समय जो होता है वो टेम्परेचर आपका मिनिमम 20 से नीचे ना हो और ऊपर में 30 से ऊपर ना हो। आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, हम 12 महीने इसको उगा सकते हैं लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रखने की जगह देखनी पड़ती है, बाकी हम इनको 12 महीना उगा सकते हैं। आप भी बीजों को लगाइए और आप अपना भी जो है एक्सपीरियंस हमको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah, I don't know.